नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, आप फिर भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करोगे और किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक पूरा देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी तरफ से इस वीडियो पर एक लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से लेके कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे वहाँ कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक्सिस बैंक का कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इस तरह से टाइप करना है और सर्च कर देना है, ठीक है। और अभी आप आ जाओगे नीचे में आपको axisbank.com ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऊपर में आई एक्सेप्ट कर देना है। और अभी आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ करने का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, क्या आप एक्सिस बैंक के पहले से कस्टमर हैं या फिर नहीं, यस और नो करके यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले से कस्टमर हैं तो आप यस कर सकते हैं, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। नो करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, पिन नंबर, अपने शहर का पिन कोड डालकर सबमिट कर देना है। और अभी यहाँ पर आपको अपना नाम, आधार नंबर और मदर्स नेम, फादर्स नेम, इस प्रकार से जो जो डिटेल्स मानता है वो आपको बिल्कुल सही सही डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप मैरिड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, मैरिड अनमैरिड, इस प्रकार से जनरल से डिटेल्स मांग रहा वो भी डाल देना। यहाँ पर आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना होगा, आप कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है इस पर 500 रुपये चार्ज है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप इस कार्ड को सेलेक्ट ना कीजिए, ठीक है। आप इस वाले कार्ड को सेलेक्ट कीजिए जिसका कोई साल का चार्ज नहीं है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, वो OTP आपको यहाँ से इंटर करना रहेगा और यहाँ पर आई एजरी पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। चलिए मुझे OTP मिल चुका है, इसे डाल देता हूँ। यहाँ पर अभी दोस्तों हम IAGD पर क्लिक करेंगे, चकमा क्लिक करेंगे, फिर IAGD करेंगे और नीचे में सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें कुछ नहीं डालना है, अब सीधा सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज वेट इन हैंड डेट टू रेट योर कार्ड टू यू। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इज नाउ कम्प्लीटली डिजिटल, सबमिट हो चुकी है। अब आपको बैंक की तरफ से फ़ोन आएगा और आपको KYC करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जैसा लगा ये वीडियो मुझे फटाफट नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है नहीं ये भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।